नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन एक्सपीरियंस एक्सपो में। मैं नीरज कुमार कैथल और आप देख रहे हैं क्विक रिवीजन पॉइंट्स का पार्ट नंबर 3 स्पेशली प्रिपेयर्ड फॉर द अपकमिंग नर्सिंग एग्जाम 2020। सो एवरीवन, लेट्स बिगिन। व्हेनेवर वन इलेक्ट्रोलाइट मूव्स आउट ऑफ द सेल, अनदर इलेक्ट्रोलाइट मूव्स इन टू टेक इट्स प्लेस। कोशिका से जब कोई एक इलेक्ट्रोलाइट बाहर निकलता है तो उसका स्थान लेने के लिए दूसरा इलेक्ट्रोड कोशिका में आ जाता है। वाइटिस वेजाइनल डिस्चार्ज सीन इन कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस कंडीशन में वेजाइना से वाइटिस डिस्चार्ज होता है। कोर्स रैटलिंग साउंड इन लार्ज एयरवे इज नोन एज रेल। कोर्स रैटलिंग साउंड लार्ज एयरवे से सुनाई देना रेल कहलाता है। रिफैम्पसिन इज अ एंटी ट्यूबरक्यूलर ड्रग, कैन कॉज रेड कलर यूरिन। रिफैम्पसिन एक एंटी ट्यूबी ड्रग है जिसके कारण यूरिन का कलर लाल हो सकता है। जन्म से लेकर 28 दिन के समय को हम बच्चे का नियोनेटल पीरियड मानते हैं। इसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, अर्ली नियोनेटल पीरियड और लेट नियोनेटल पीरियड। जन्म से 7 दिन का समय अर्ली नियोनेटल पीरियड कहलाता है, जबकि 7 दिन से लेकर 28 दिन का समय लेट नियोनेटल पीरियड कहलाता है। हिपेरिन प्रिवेंट्स थ्रोम्बिन फ्रॉम कन्वर्टिंग फिब्रिनोजन टू फिब्रिन। हिपेरिन थ्रोम्बिन को फिब्रिनोजन से फिब्रिन में कन्वर्ट होने से रोकता है। ऑप्थोल्मोलॉजी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस। किसी भी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो उसके प्रिस्क्रिप्शन में ओडी और ओएस वर्ड आपको देखने को मिलेगा। ओडी का वर्ड मीनिंग है राइट आई और ओएस यूज किया जाता है लेफ्ट आई से रिलेटेड किसी भी चीज को डिनोट करने के लिए। कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विथ मैसिव ब्लड ट्रांसफ्यूशन इज हाइपरकैलीमिया एंड हाइपोकैल्सीमिया। यदि किसी व्यक्ति में ज़्यादा मात्रा में ब्लड चढ़ाया जा रहा है तो उसे हाइपरकैलीमिया और हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। हाइपरकैलीमिया में पोटेशियम का लेवल बढ़ जाता है, जबकि हाइपोकैल्सीमिया में कैल्शियम का लेवल कम हो जाता है। इम्यूनोग्लोबुलिन एम एक पेंटामेरिक स्ट्रक्चर है जिसे हम मिलेनियर मॉलिक्यूल्स के नाम से भी जानते हैं। RH एंटीजन आरबीसी पर पाया जाता है। हर्ट मिडिल मीडिया स्टीनम एट द लेवल ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रे T5 to T8। हर्ट हमारे मिडिल मीडिया स्टीनम में सिचुएटेड होता है। मीडिया स्टीनम दोनों फेफड़ों के बीच वाले स्थान को बोलते हैं और इसे वर्टिब्रे के लेवल से हम देखें तो हर्ट थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 5 से थोरेसिक वर्टिब्रा नंबर 8 के बीच सिचुएटेड होता है। हर्ट स्ट्रक्चर इज लाइक क्लोज्ड फीस्ट, 12 सेंटीमीटर इन लेंथ, 8 सेंटीमीटर इन वाइड एंड 6 सेंटीमीटर इन थिकनेस। हर्ट का आकार या आकृति बंद मुट्ठी के समान होती है, जिसकी लंबाई करीबन 12 सेंटीमीटर, चौड़ाई 8 सेंटीमीटर व थिकनेस 6 सेंटीमीटर होती है। आरबीसी का जीवन काल फीटस में 80 दिन, अडल्ट्स में 120 दिन का होता है। फीटल हीमोग्लोबिन 2 अल्फा और 2 गामा चेन से मिलकर बनता है, जबकि अडल्ट हीमोग्लोबिन का निर्माण 2 अल्फा और 2 बीटा चेन से मिलकर होता है। नेशनल रेल म्यूजियम न्यू दिल्ली में स्थित है। हमारे शरीर में लार्जेस्ट ऑर्गन है स्किन। After using thermometer, it should be disinfectant with the 1:40 strength of Dettol solution or 1:20 strength of Savlon for 5 minutes. Thermometer से temperature note करने के बाद thermometer को disinfect करना चाहिए, जिसके लिए हम 1:40 की strength वाला Dettol या फिर 1:20 strength वाला Savlon solution use कर सकते हैं। Thermometer को इन दोनों सॉल्यूशंस द्वारा डिसइंफेक्ट करने के लिए 5 मिनट तक उनमें रखना चाहिए। हिपेरिन थ्रोम्बोएम्बोलिज्म को रोकता है।
INR का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल नॉर्मलाइज्ड रेशियो। रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा गुजरात में स्थित है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, ड्रॉपलेट्स ऑफ सलाइवा, नेसोफेरेंजियल सिक्रेशंस ड्यूरिंग कफिंग, स्नीजिंग, स्पीकिंग, स्पीटिंग इनटू सराउंडिंग एटमॉस्फियर। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सलाइवा और नेसोफेरेंजियल सिक्रेशंस के द्वारा बनी ड्रॉपलेट्स द्वारा फैलता है। प्रभावित व्यक्ति जब खांसता है, छींकता है या बोलता है तो सलाइवा और नेसोफेरेंजियल सिक्रेशन ड्रॉप्स की फॉर्म में आसपास के एटमॉस्फियर में छोड़े जाते हैं। यदि व्यक्ति इनके टच में आ जाए तो वो भी प्रभावित हो सकता है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के कुछ उदाहरण हैं टीबी, कॉमन कोल्ड, डिप्थीरिया आदि। पीटीटी का फुल फॉर्म है पार्शियल थ्रोम्बोप्लास्टिन टाइम। रेगुलर इंसुलिन को हम इंट्रावीनस रूट द्वारा भी एडमिनिस्टर कर सकते हैं। नेगल्स पेल्विस इज डिफॉर्म्ड पेल्विस इन विच वन सैक्रल एला इज मिसिंग। यदि किसी पेल्विस में एक सैक्रल एला मिसिंग हो तो इस टाइप के पेल्विस को हम नेगल्स पेल्विस कहते हैं और यह एक डिफॉर्म्ड पेल्विस है। INR टेस्ट वारफेरिन के लिए किया जाता है जबकि PTT टेस्ट हिपेरिन से संबंधित है। रैमसे स्केल सिडेशन को असेस करने के लिए यूज होता है। लेंस एक्वस ह्यूमर फ्लूइड, विट्रस ह्यूमर फ्लूइड आईबॉल के अंदर उपस्थित रहते हैं। लाइन बर्थ क्या है? कंप्लीट एक्सपल्शन और एक्सट्रैक्शन फ्रॉम मदर ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन विच आफ्टर सेपरेशन शुड साइन ऑफ लाइफ फॉर एट लीस्ट 1 आवर। कंसेप्शन के द्वारा बना प्रोडक्ट मां से कंप्लीटली एक्सपेल या एक्सट्रैक्ट किया जाए और सेपरेशन के बाद लगभग कम से कम 1 घंटा तक यदि वो जीवित है इसके साइंस मौजूद हों तो इस कंडीशन को लाइम बर्थ कहा जाता है। रीड स्टर्नबर्ग सेल्स आर फाउंड इन हॉटकिंस डिजीज। मैलिग्नेंसी ऑफ लिम्फ नोड्स इज नोन एज हॉटकिंस डिजीज। हॉटकिंस डिजीज लिम्फ नोड्स की मैलिग्नेंसी है और इसका स्पेशल साइन है प्रेजेंस ऑफ रीड स्टर्नबर्ग सेल्स। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम मेड अप ऑफ मल्टी लेयर्स ऑफ सेल, सेल्स आर ऑफ डिफरेंट शेप। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम का निर्माण सेल्स की मल्टीपल लेयर्स द्वारा होता है और इसमें जो सेल्स होती हैं वो डिफरेंट शेप की होती हैं। बेसल लेयर और जर्मिनेटिव लेयर हैव कंटिन्यूअस सेल डिवीजन। स्ट्रेटिफाइड एपिथीलियम की बेसल लेयर या जर्मिनेटिव लेयर में लगातार सेल डिवीजन होता रहता है। इसके मुख्य फंक्शन है यह स्ट्रक्चर्स को वियरिंग और टियरिंग से बचाती है। ग्रीन कैन्यूला यूज्ड आफ्टर रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट इन अडल्ट फॉर फ्लूइड रिप्लेसमेंट। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल व्यक्ति में फ्लूइड रिप्लेसमेंट के लिए ग्रीन कलर का कैन्यूला एडल्ट्स में यूज किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड यूज्ड फॉर एब्डोमिनल वॉल इन्फ्लेशन ड्यूरिंग लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स। लेप्रोस्कोपिक प्रोसीजर्स के दौरान एब्डोमिन वॉल को इन्फ्लेट करने के लिए, उसमें हवा भरने के लिए, उसे फुलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इस्तेमाल किया जाता है। RBC के फॉर्मेशन को इरिथ्रोपोइसिस कहते हैं। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी हो जाती है। लॉर्ड डलहैजी को हम फादर ऑफ इंडियन रेलवेज के नाम से जानते हैं। प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन एक्सिला वाइल टेकिंग टेम्परेचर कैन कॉज फॉल्स रीडिंग। यदि आप किसी व्यक्ति में उसकी कांख या बगल से टेम्परेचर नोट कर रहे हैं और यदि उसके बगल में पसीना मौजूद है या मॉइस्चर मौजूद है, इसके कारण टेम्परेचर की फॉल्स रीडिंग हो सकती है। वाइल असेसिंग क्लाइंट ड्यूरिंग एक्यूट एपिसोड ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस नर्स शुड फोकस ऑन फ्लूइड वॉल्यूम डेफिशियंसी। जब आप डायबिटीज इंसिपिडस के एक्यूट एपिसोड को फेस कर रहे पेशेंट को असेस करते हैं तो आपका पूरा फोकस उसमें हो रहे फ्लूइड वॉल्यूम की कमी पर होना चाहिए क्योंकि डायबिटीज इंसिपिडस में पॉलीयूरिया हो जाता है।
आरबीसी फॉर्मेशन अकर्स इन रेड बोन मैरो फ्रॉम लास्ट 3 months ऑफ यूट्राइन लाइफ टू होल एक्स्ट्रा यूट्राइन लाइफ। यूट्राइन लाइफ के आखिरी 3 महीनों से लेकर जन्म के बाद हमेशा आरबीसी का निर्माण रेड बोन मैरो में होता है। यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी चेक्ड इन बर्न पेशेंट टू असेस द फ्लूइड रिप्लेसमेंट नीड विद द फर्स्ट 24 आवर्स बर्न। बर्न पेशेंट में बर्न के पहले 24 घंटे में फ्लूइड रिप्लेसमेंट की नीड को यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी द्वारा चेक किया जाता है। एमआरआई से पहले क्लाइंट के डेंटल ब्रिज को निकाल देना चाहिए। इंटरवेंशंस फॉर क्लाइंट रिसीविंग टोकोलाइटिक ड्रग्स। वह पेशेंट्स जिन्हें टोकोलाइटिक ड्रग्स दी जा रही हैं उनमें हमें निम्न इंटरवेंशंस करने चाहिए। पोजीशन द क्लाइंट ऑन हर साइड टू एनहेंस प्लेसेंटल परफ्यूजन एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन सर्विक्स। टोकोलाइटिक ड्रग्स ले रहे पेशेंट को हम ऐसी पोजीशन में रखेंगे जिससे प्लेसेंटल परफ्यूजन बढ़े और उसके सर्विक्स पर प्रेशर कम हो। उसके वाइटल साइंस को मॉनिटर करेंगे। फीटल स्टेटस और लेबर स्टेटस को भी कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। पेशेंट्स में टोकोलाइटिक्स के एडवर्स इफेक्ट ना हो इसे भी हम कंटिन्यूअसली मॉनिटर करेंगे। पेशेंट का डेली वेट मॉनिटर किया जाएगा। पेशेंट का इनपुट आउटपुट स्टेटस भी रेगुलरली वॉच करना चाहिए। प्रोवाइड कंफर्ट मेजर्स एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट। पेशेंट को कंफर्ट मेजर्स और साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड कराना चाहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो। ऑल द बेस्ट।